देख रहे हैं ड्यूटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं रसन। ड्यूटी न्यूज में हम बात करेंगे टॉक विद टॉपर्स। टॉक विद टॉपर्स में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स, कुछ होनहार स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में 9th एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और अपना परफॉर्मेंस कुछ इस तरह दिया कि एक मिसाल बन गए। उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद है, सिफत मिर्जा। सिफत, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपने कहाँ से की थी? ड्यूटी सोसाइटी के कौन से बैच में आप मौजूद थे बेटा? लास्ट बैच। आपके हिसाब से जो है कितने मार्क्स आपके रहे होंगे 9th एंट्रेंस में? 65। किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी? मैथमेटिक्स और उर्दू में आपको ज्यादा। ड्यूटी सोसाइटी के टीचिंग मेथड के बारे में कुछ बताएंगे कि ड्यूटी सोसाइटी का टीचिंग मेथड आपके साथ किस तरह से रहा था? सर वैसे तो हमने बहुत लेट बैच ज्वाइन करा था, लेकिन उसके बाद भी टीचर ने हमारे साथ बहुत मेहनत करी और टीचर ने हमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देके बहुत अच्छे से पढ़ाया और हमारी बेस्ट प्रिपरेशन कराई। बेटा आपने ड्यूटी सोसाइटी में रहकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा, आपने जो है स्टडी मटेरियल से रीड किया होगा, तो उन सारी चीजों से आपको क्या बेनिफिट मिला उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर ड्यूटी सोसाइटी का स्टडी मटेरियल सारा ही टेस्ट और सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें एक तो ये पता चलता है कि टेस्ट के एनवायरमेंट में हमें कैसे फ्रेंडली होना है और हमें कैसे बिना स्ट्रेस के अपना एग्जाम देना है, और उससे उसके क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस होती है और हमें अपना डेली पता चलता है कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, हमें कितनी मेहनत की वजह से। आपके पेरेंट्स ने आपका एडमिशन ड्यूटी सोसाइटी में कराया और आज माशाल्लाह से आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो आपके पेरेंट्स ड्यूटी सोसाइटी के स्टडी को लेकर क्या क्या कहते हैं उसके बारे में? सर मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड थे कि आज ड्यूटी सोसाइटी की टीचर ड्यूटी सोसाइटी की मेहनत की वजह से मेरा नाम 9th एंट्रेंस में आ गया और वो तो वो दूसरों को भी यही राय दे रही हैं हमें ड्यूटी सोसाइटी में। आपके हिसाब से कितने आर्ट्स जो है वो सेल्फ स्टडी करनी चाहिए अपने कोचिंग के साथ या अपने स्कूल के साथ, कितने आर्ट्स जो है वो आपको सेल्फ स्टडी में देना जरूरी है कि आप कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई हो? सर ड्यूटी सोसाइटी के टीचर्स हमसे यही कहते थे कि आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप को बिना प्रेशराइज करते हुए 4 से 5 घंटे स्टडी करना बहुत जरूरी है। बेटा आपका फ्यूचर गोल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बनोगे भी अगर इस तरह ही मेहनत करते रहोगे तो आगे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एंट्रेंस देने वाले हैं, कोई 9th एंट्रेंस देगा, कोई 6th एंट्रेंस देगा, तो आप उनको क्या राय देना चाहोगे कि किस तरह से वो जो है प्रिपरेशन करेंगे अपना एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकें? सर मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि सारा ही ड्यूटी सोसाइटी का जो मटेरियल होता है, सारी स्टडी मटेरियल जो भी होता है, सारे टेस्ट बहुत अच्छी तरह से उसे गो थ्रू करें, सारे नोट्स, सारी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ें और इसी तरह से आप अगर मेहनत करते रहोगे तो मैं आपको दुआ भी दूंगा कि आप इंशाल्लाह जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी क्रॉस आउट करोगे और इंशाल्लाह कल को एएमयू के अंदर आप मिलोगे। आखिर में मैं एक बार फिर शिफत को मुबारकबाद दूंगा और खुदा हाफिज। हमारे साथ मौजूद थे शिफत।